जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे एक हिंदी की श्रृंखला में जो आपकी सीरीज चलती आ रही है, उसमें आपके लिए पहले हमने वर्णमाला के दो वीडियो में आपकी पूरी वर्णमाला कंप्लीट कराई है, फिर उसके बाद संधि, कारक, समास और साथ ही साथ उसमें हिंदी भाषा का जो साहित्य है, हिंदी भाषा का विकास और साहित्य, उन सभी की वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी हैं। जल्द जाकर जो यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल के लिए संपूर्ण हिंदी की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, उस टॉपिक का नाम है, पहला टॉपिक रहेगा हमारा आज लिंग और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा वचन। इन दोनों के बारे में हम आज संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारी वीडियो पर कमेंट करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, और साथ ही साथ आपको किसी भी सब्जेक्ट के जो पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं पीडीएफ नोट्स और सब्जेक्ट का नाम, हम आपको पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा वीडियो के। तो आइए बिना देरी करें हम शुरू करते हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है लिंग। तो जैसा कि पहला टॉपिक है हमारा लिंग, तो हिंदी भाषा के अंतर्गत आपके जो लिंगों के प्रकार हैं वो सिर्फ दो माने गए हैं। पहला होता है पुल्लिंग पुल्लिंग और दूसरा होता है आपका स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, यानी कि जो पुरुष समास का बोध कराता है उसे उसको पुल्लिंग कहेंगे, और जो स्त्री समाज का बोध कराता है वो स्त्रीलिंग कहते हैं। और इसमें देखेंगे हम जो इसकी एक परिभाषा है, यानी कि जो पुरुष समाज और स्त्री समाज में जो एक अंतर उत्पन्न करता है, यानी कि जो एक तरह से भेदभाव है, यानी कि पुरुष और स्त्री के बीच जो भेदभाव है उसको हम लिंग कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि स्त्रीलिंग क्या होता है, पुल्लिंग क्या होता है। तो इसे बिना देरी करें हम शुरू करते हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो इसमें लिंग के जो भेद हैं हिंदी में, आपके दो भेद दिए गए हैं, और साथ ही साथ इसमें नपुंसक लिंग भी जो ऐड कर दिया जाता है, तो वह आपका संस्कृत में तीन भागों में बढ़ जाता है लिंग। तो आइए हम देखते हैं हिंदी के अनुसार लिंग के जो दो भेद हैं उनके में पहली चर्चा करेंगे हम पुल्लिंग की। पुल्लिंग, तो पुल्लिंग क्या होते हैं, तो इन्हें देखते हैं हम, यानी कि जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, यानी कि जो शब्द आपके पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, यानी कि आप ये ध्यान रखो शब्द जो पुरुष वर्ग का बोध कराएं, तो इस प्रकार से जो भी शब्द इसके अंतर्गत आएंगे वो सभी आपके पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे, जिसमें इनके उदाहरण हैं जैसे कि छात्र, लड़का, और इस प्रकार से राम श्याम, इस प्रकार से आपके इसके बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। राम श्याम वृक्ष आदि, इस प्रकार के इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ हम इसके देखते हैं जो स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा होगी, तो इसमें जैसे आपका है इसके उदाहरण हटा देंगे और हम, और ये सेम वही परिभाषा रहेगी, यानी कि जैसे स्त्रीलिंग आएगा यहाँ, यानी कि दूसरा आप पर रहेगा भाग इसका स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग की क्या परिभाषा होगी, जो शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं उनको
स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो इसके अंतर्गत उदाहरण आएंगे आपके, जैसे कि बालिका, नदी, कुर्सी, लड़की। इस प्रकार से सभी जो स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं वो सभी शब्द आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि जो आपके, हमने इनकी परिभाषा पढ़ ली और उदाहरण देख लिए। अब मेन दिक्कत ये आती है हमारे एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आएगा कोई हमको शब्द दे दिया होगा, यानी कि कोई भी शब्द आपको ETC जैसे दे दिया, ये शब्द दे दिया वृक्ष, यह पूछ लेगा इसका स्त्रीलिंग रूप कौन सा है, या ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इनकी पहचान आप किस प्रकार से करेंगे। तो हमारा मेन टॉपिक जो है इनकी पहचान कराना सीखना, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है तो वो इसके अंतर्गत आते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जो आप अंतर करोगे, इनकी पहचान करोगे वो किस प्रकार से करोगे। तो आइए बिना देरी करें उसको देखते हैं। तो जो इनकी पहचान होती है, यानी कि पहचान, यानी कि जैसे इसकी पहचान के लिए आपको किताबों में दिया जाता है इसमें विशेषण ऐड कर दो, विशेषण प्लस शब्द, यानी कि जो भी शब्द दिया हुआ है उसके साथ विशेषण ऐड कर दो। और ये है किताबी भाषा, हम इसको बताएंगे आपको एक ट्रिक के माध्यम से कि किस प्रकार से आप पहचान कर सकते हैं। तो वो हमारी ट्रिक होगी, यानी कि जैसे कोई भी शब्द है, उसमें जैसे कि हमने क्या लिया था उदाहरण वृक्ष, तो हमारे पास कुछ शब्द हैं ऐसे जैसे कि मेरा, मेरी और अच्छा, अच्छी। ये मात्र चार शब्द याद कर लो, आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बोध करना आप पर आ जाएगा कि किस प्रकार से जो आपके स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है उनकी किस प्रकार से आप पहचान करोगे। तो सिर्फ ये शब्द, यानी कोई भी शब्द ले लो आप, जैसे कि हमारा ये वृक्ष ही था तो हम वृक्ष लेंगे, तो वृक्ष के आगे लगा दो ये रहा वृक्ष, वृक्ष जैसे हमने लिया तो इसमें हम मेरी लगाएंगे, मेरी वृक्ष, ये आपको थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा तो यहां मेरी ना आकर इसमें आएगा मेरा, मेरा वृक्ष, या लगाएंगे हम मेरा वृक्ष ना लगाकर हम लगा देंगे इसमें दूसरा शब्द जो है हमारा पुल्लिंग का, जो दूसरा शब्द है हमारा अच्छा, यानी कि उसको मार्कर से लिखता हूं मैं, अच्छी वृक्ष। तो अच्छी वृक्ष आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा इसके साथ लगा हुआ, तो इसमें जो हम लगाएंगे अच्छा वृक्ष। तो आपने इन दोनों को शब्दों को लगाकर इससे पहले आपको पता चल गया होगा कि ये जो वृक्ष शब्द है यहां आपका पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो आपको जो एक निष्कर्ष निकला है तो वो निष्कर्ष होगा कि जो मेरा, अच्छा, ये दोनों शब्द ये पुल्लिंग की पहचान कराते हैं, पुल्लिंग की पहचान कराते हैं, और मेरी और अच्छी ये स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग की पहचान कराएंगे। तो इस प्रकार से हम एक उदाहरण ले लेंगे, उदाहरण लेंगे हम एक स्त्रीलिंग का, उदाहरण लेंगे हम, यानी कि कुर्सी, ये कुर्सी। तो इसमें हम शब्द लगाएंगे, ये स्त्रीलिंग वाले कौन कौन से शब्द हैं हमारे, ये वाले। तो इनमें हम देखो पुल्लिंग का लगा के देखेंगे, पहले इसमें लगाएंगे हम मेरा,
यानी कि मेरा कुर्सी, तो यह है आपका शब्द, इसमें फिक्स नहीं होगा, तो इसमें हम लगाएंगे मेरी। तो आपने जैसे ही इसकी मात्रा बदली तो यह आपका कुछ जो शब्द है इनका मेल आपको होता हुआ नजर आया होगा, तो यह हो गया मेरी कुर्सी। तो यह आपका एक शब्द जो है सही रूप का बोध कराता है, यानी कि इसमें जो स्त्रीलिंग है ये कुर्सी शब्द जो है आपका ये स्त्रीलिंग का बोध कराता है, क्योंकि इसमें स्त्री लिंग की जो शब्दों का बोध कराने के लिए यानी कि विशेषता है, यानी कि मेरी वह लगा है। इसके बाद हम देख लेंगे इसमें दूसरा शब्द रखकर, हमारा जो दूसरा शब्द है तो इसमें दूसरा शब्द, अब हमको तो पता ही है कि ये स्त्रीलिंग है, तो हमने इसमें रख लिया आपका दूसरा शब्द जो है अच्छा। अच्छा तो अच्छा कुर्सी यह आपको नहीं जच रहा होगा, क्योंकि अच्छा कुर्सी इसका कोई मेल ही नहीं हो रहा, तो इसमें हम देखेंगे कि अच्छे की जगह हम अच्छी कुर्सी लगा देंगे, तो यह आपका जो बोध है यह एक सीक्वेंस में आता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह कुर्सी शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से आप जो लिंगों के बोध हैं तो कौन सा पुल्लिंग होगा कौन सा स्त्रीलिंग होगा उनका आप बोध करा सकते हो। तो आपको यह ट्रिक हमारी कैसी लगी, इसी बात पर आप हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे देखेंगे अब हम दूसरा टॉपिक जो रहेगा हमें इसी वीडियो में, वो आपका रहेगा वचन का। उसमें भी एक शानदार ट्रिक के साथ आपको वचन, यानी कि आज के बाद आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, बस आपको ये चार वर्ड याद रखने हैं, मेरा मेरी अच्छा अच्छी, केवल इनको लगाना है और आप जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बहुत अच्छे से कर पाओगे, आज के बाद आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम देखते हैं, आप हमारा जो दूसरा टॉपिक है वचन, उसको देखते हैं एक शानदार ट्रिक के साथ। तो आपने अभी तक हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उनको ही बताएं कि आपके लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी चल रही है एक चैनल पर, यानी कि एग्जाम डे पर, तो यह सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट कराने की हिम्मत सिर्फ हम ही रखते हैं, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो आपसे एक मोटी रकम के साथ आपको कोर्स भेज दिया जाएगा और आपको लगभग कुछ महीने के लिए आपको इलझा लिया जाएगा, आप पढ़ोगे क्योंकि आपके पैसे गए हैं। तो आप इससे अच्छा आप खुद भी मेहनत करिए और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि हम आपकी मेहनत को और डबल कर देंगे। तो आइए दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, इसमें दूसरा टॉपिक हमारा वचन। वचन, तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में वचन जो होते हैं वो केवल दो प्रकार के होते हैं, यानी कि हिंदी में जो वचन होते हैं आपके दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक तो होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। बहुवचन, तो आपको इसमें जो हिंदी में है ये वचन वचन टॉपिक, इसमें जो इसके हैं दो भाग आपको देखने को मिलेंगे, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। और आप इसको ही संस्कृत में जाकर देखोगे तो उसमें एक वचन और ऐड कर दिया जाता है यहाँ दूसरे नंबर पर, उसका नाम है द्विवचन। तो वह अपना हिंदी में नहीं माना गया है, तो इसलिए हिंदी में जो आपके वचन के जो भाग हैं वो केवल दो होंगे, एक वचन और बहुवचन। तो इन दोनों वचन की जो है हम अच्छे से परिभाषा देखेंगे और अच्छे से इनको याद करेंगे कि किस प्रकार से हमें एक ट्रिक के माध्यम से इनको पहचानना होगा। तो इसमें जैसे कि एक वचन दिया हुआ है, तो एक वचन का मतलब क्या होता है हम देखेंगे पहले वचन में, यानी कि ये तो हो गए आपके इसके भाग, इसमें देखेंगे हम पहले, पहला आएगा आपका एक वचन, एक वचन। तो एक वचन की हम सिंपल सी एक परिभाषा देखेंगे, एक वचन में एक केवल सिंगल यानी कि एकल व्यक्ति का जिक्र होगा, एकल वस्तु का जिक्र होगा, यानी कि केवल एक ही वस्तु का बोध या एक ही शब्द का बोध होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि
यानी कि एक एकल वस्तु वस्तु व्यक्तित्व का बोध। व्यक्तित्व का बोध आपको इसमें होता नजर आएगा, जैसे कि एक वचन के आप उदाहरण देख लेंगे, यानी कि एक वचन के आपके बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि भगत, यानी कि जो आपके भक्त होते हैं, तो यह आपका एक वचन होगा। इसके साथ ही आप दूसरा उदाहरण देख लेंगे एक वचन का, जैसे कि कोई हो गया आपका, यूपी पुलिस का ये उदाहरण दिखाता हूं मैं इसमें, राम मजदूर मजदूर। इस प्रकार से आपका एक वचन की जो आपकी परिभाषा होगी, एकल वस्तु या व्यक्तित्व का, यानी कि एकल वस्तु या व्यक्तित्व का बोध नजर होता हुआ इसमें आएगा। जैसे कि आपका ये है भक्त, एक भक्त राम है, ये भी आपका एकल नजर आएगा। जैसे कि एक राम है तो उसका एकल अपने आप में एक एकल व्यक्तित्व देखने को मिलेगा। ये तो है नहीं कि राम अपने आप में बहुत सारे हैं, रावण को तो कह भी सकते हैं कि रावण के 10 सिर होते हैं, तो वो भी एकल व्यक्ति के अंतर्गत आएगा। जैसे कि आप इसमें लिख देंगे हम रावण, रावण रावण के 10 सिर होते हैं, पर उसका व्यक्तित्व जो होता है वो एकल होता है, तो इसलिए आप उसको एक वचन के अंतर्गत ही रखेंगे, भले से उसके 10 सिर हों या 20 सिर हों, उससे हमें कोई मतलब नहीं, यानी कि उसका व्यक्तित्व जो होना चाहिए एकल होना चाहिए। तो एक वचन की जो आपकी परिभाषा ये हो गई, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे बहुवचन की परिभाषाएं। इसमें देखेंगे हम दूसरे नंबर पर बहुवचन। बहुवचन तो बहुवचन में आपका पहली जो इसका आपको एक शर्त होगी कि उसका एकल भाव नहीं होगा, एकल भाव न हो। इसकी दूसरी शर्त होगी आपको समूह गठन आदि प्रचर्चा नजर आएंगी, आदि परिचर्चा नजर आएंगे, यानी कि जो भी व्यक्तित्व होगा, जो भी वस्तु होगी, जो भी आपका शब्द देखने को मिलेगा, उसका एकल भाव नहीं होगा, साथ ही साथ उसका समूह में या एक गठन के रूप में भाग होगा। यानी कि कोई भी जो एकल हमने बताया है एक वचन की परिभाषा कि एकल व्यक्तित्व या एकल भाव होगा, तो इसमें उसका ठीक अपोजिट होगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं हम, तो उदाहरण होंगे इसके, जैसे कि हमने उसके उदाहरण लिए थे, हमने उसमें उदाहरण लिया था भक्त यहां आपका एक वचन है, हमने माना एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा, इसका बहुवचन होगा भक्तगण, भक्तगण इस प्रकार से। और दूसरा उदाहरण लिया था हमने, जैसे कि तुम सब यानी कि देखो ये भी शामिल हो गए, यानी कि तुम सब में यानी कि एक ना होकर दो या तीन या एक से अधिक होंगे, यानी कि इसमें जो भाव है एक से अधिक का देखने को मिलेगा। इस प्रकार से अब इनकी हम पहचान देखेंगे कि किस प्रकार से हम पहचान कर पाएंगे और किस प्रकार से एक वचन से हम बहुवचन इनको बना पाएंगे। तो इसको देखते हैं हम,
जैसे कि पहले कोई एक वचन शब्द है, यानी कि एक वचन है, एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे? तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हमें जो इसका अंतिम स्वर होता है शब्दों का, आ ओ आ ओ, इनको एक रूप में परिवर्तन कर देंगे, इसमें ए लगा देंगे, ए लगा देंगे। इस प्रकार इसका उदाहरण देख लेंगे हम साथ ही साथ। इसका उदाहरण होगा लता, तो लता आपका क्या है, एक वचन। तो इसमें आगा डंडा है, तो आ को हम किसमें परिवर्तन कर देंगे, ए में। तो इसका उदाहरण हो जाएगा ये लताएं। इस प्रकार से दूसरा उदाहरण होगा इसका कविता, तो उसका हो जाएगा कविताएं, कविताएं। इस प्रकार से ही आपके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपके इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे। और इसके बाद हम देखेंगे गण लगाकर, जैसे कि एक वचन क्या शब्द होगा आपका, अतिथि, अति अतिथि, अतिथि। तो इसका क्या बना देंगे आप, अतिथि गण। जैसे कि हमने पहले उदाहरण भी बताया है आपको भक्त, तो इसमें हो जाएगा भक्तगण, भक्तगण। तो इस प्रकार से आपका जो परिवर्तन एक वचन से बहुवचन में होगा गण लगाकर। उसके बाद हम अगले उदाहरण देखेंगे। तो यह आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी, इसमें जैसे कि आप और भी शब्द हैं इसमें, जैसे कि आपका एक शब्द आ गया, हम यहां देखेंगे इसको मजदूर, तो मजदूर का आप जो बहुवचन है रूप, इसको कैसे बनाएंगे? तो एक इसका बहुत ही सिंपल सा रूप है, जैसे कि आपका मजदूर दे लिया, तो इसमें हो जाएगा मजदूर लोग, मजदूर लोग। इसमें बाकी के अनुसार आपको मजदूर लोग ना देखकर मजदूरों भी देखने को मिल जाएगा, यह केवल वाक्य के अनुसार होगा, यानी कि जो इसका मेन रूप होगा वो होगा मजदूर लोग, यानी कि मजदूर है तो मजदूर लोग। इस प्रकार से आप एक वचन से बहुवचन बना पाओगे। और इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपके सदा बहुवचन रहेंगे, या सदा आपके जो एक वचन देखने को मिलेंगे, तो इसमें वो शब्द होंगे आपके, यानी कि सदा, सदा एक वचन जो होंगे, यानी कि आप उनको बहुवचन नहीं बना सकते। कुछ ऐसे शब्द हैं, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपका हर ऐसा ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें हिंदी आती हो और इसमें से सवाल आपका ना मिला हो। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे कि सदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन से हैं। तो सदा एक वचन शब्द रहने वाले जैसे कि आंसू, अब आंसू का आप बहुवचन नहीं बना सकते, तो यह आपका सदा बहुवचन रहेगा, यानी कि आपका यह सदा बहुवचन है, सदा बहुवचन। इनको याद रख लेंगे आप, क्योंकि बहुवचन से ही आपका क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है। तो यानी कि आंसू, आंसू के बाद होगा
क्योंकि प्राण निकल गए। इस प्रकार से आपका ये बहुवचन ही इसका सदा रूप जो रहेगा, यानी कि आपका जो इसका सदा बहुवचन रूप में ही देखने को मिलेगा, जैसे कि प्राण हुआ, आंसू हुआ, और इसके बाद हुआ हस्ताक्षर। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर हुआ, समाचार, समाचार हुआ, और अनेक लोग, अनेक लोग। तो इस प्रकार से ये शब्द ऐसे हैं जो सदा आपके बहुवचन में ही देखने को मिलेंगे। तो इनमें से क्वेश्चन आपके बनाकर एग्जामिनर दे देगा, तो आप अब से इन क्वेश्चनों को गलत नहीं करोगे। मुझको आशा है कि आप जो वचन में से और लिंग में से कोई भी क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा तो आप उसको अच्छे से करके आओगे और एकदम सही कर कर आओगे। तो आपके लिए हमारे चैनल पर जो कि मैथ की वीडियो भी डल चुकी हैं, और साथ ही साथ आपकी जो यूपीजी के चल रहा है एक अच्छी सीरीज के साथ, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और साथ ही आप देखेंगे हमारे चैनल पर जाकर अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। उससे पहले आप देख लेंगे आपके जो रह गए सदा एक वचन, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हैं जो आपके सदा एक वचन रहते हैं। सदा एक वचन, तो सदा एक वचन ऐसे कौन से शब्द हैं जो आपके सदा एक वचन रहेंगे, आप उनको बहुवचन नहीं बना सकते। तो वे शब्द आपके होंगे, मैं बताता हूँ, वे शब्द आपके होंगे जैसे कि सोना, सोना चांदी, सोना चांदी, प्रेम क्रोध, प्रेम क्रोध, दूध, तारा। तो इस प्रकार से आपके कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा एक वचन के रूप में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका सोना चांदी, प्रेम क्रोध, दूध, तारा, यानी कि आपकी जो फीलिंग होती है कुछ, जैसे कि क्रोध हुआ, प्रेम हुआ, तो यह सभी आपके एक वचन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपकी 90% जो फीलिंग होती हैं वो आपकी एक वचन के अंतर्गत आती हैं। तो आज से आप इनको याद कर लोगे और आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, एकदम सही क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि जो आपके यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की परीक्षा है वो लगभग पिछले कई वर्षों से आपको देखने को नहीं मिली है। तो इस बार आप अपने मौके को हाथ से ना छूटने दें और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम PDF भी देंगे। आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे कंटेंट के रूप में आपका एक जो सिलेबस है उसको पूरा कराएंगे, और साथ ही साथ आपको रीजनिंग, मैथ, हिंदी, UPGK, यानी कि समस्त जो आपका विषय पाठ्यक्रम है उसको विषयवार लेकर चलेंगे और टॉपिक वाइज आपको अच्छे से याद कराएंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कुछ के पास ऐसा होता है, कुछ के पास पैसे होते हैं, कुछ चाहते हैं कि हमारी, यानी कि इतने रुपये में अपना रिचार्ज करा लें, यानी कि आप 1000 का 2000 का कोर्स लेंगे तो उससे अच्छा है कि आप 500 रुपये तो आपके पास हो जाएंगे या 200-300 रुपये हो जाएंगे, रिचार्ज लायक पैसे हो जाएंगे, तो आप अपने अच्छे से जो आपका दोस्त हो, आपको लगता हो ऐसा कि वो कोर्स नहीं ले सकता, तो उसको आप हमारे चैनल के बारे में बताएं और उसको बताएं कि इतने रुपए का वो रिचार्ज कराए और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ जुड़कर तैयारी करें। हम आपको जो यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल की परीक्षा है उसमें पूरी वर्दी दिलाने का, यानी कि मैं अच्छे से लिख दूं आपका एक हौसला बढ़ाने के लिए, जो कि हमारी ये सीरीज है, गरीब को वर्दी दिलाना, यानी कि जो, तो हमारी ये सीरीज है कि हर एक हमारा जो गरीब भाई है उसके पास वर्दी हो सके, यानी कि वो भी पैसे के माध्यम से पीछे ना रहे, वो उसके लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएंगे और एक हौसला दिलाते हैं कि हर एक जो गरीब है उसके पास भी इस बार वर्दी पहुंचा कर रहेंगे।
आपको इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे हौसले को बढ़ाते रहना है, जिससे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाएं और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि इस प्रकार के जितने भी आपके भाई बहन हैं उन तक हमारी वीडियो पहुँचे और उनको पता चल सके कि कहीं फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारे लिए मेहनत कराई जा रही है। और यूपी पुलिस जो वर्दी 2023 में जो परीक्षा होने वाली है, यूपी पुलिस परीक्षा यानी कि यूपीपी परीक्षा जो कि 2023 में आयोजित की जानी है, उसमें एक गरीब से गरीब को हम वर्दी दिलाने का वादा करते हैं। धन्यवाद।